सवाल सर पॉलिटिकल है, आरएसएस ने बयान छपाया है, लेकिन मुसलमान गलत बयानी से बचे, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले गलत बयानी से बचे, चुप रहे। उनके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, ये गलत कर रहा है तू, धन्यवाद उनका बहुत। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, और हिंदू या मुसलमान इस तरह या इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। इस पर क्या कहेंगे सर? अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से। मुसलमान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस वो हम सबसे बड़े हैं, ये बात सोचना बंद कर। अब मैंने अब सर्च किया ना कि ये उनका विचार है, और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। पहले आप तीखी बातें करते थे आजम साहब, आजकल मिसाल के तौर पर कौन सी तीखी बात याद है आपको? आप जवाब दिया करते थे, आप कौन सी तीखी? पुरजोर तरीके से नहीं तो मैं बीमार भी हूँ। 5 महीना मैं कोरोना में एडमिट रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज रहा हूँ, और 10x10 के एक कमरे में 5 महीने बंद रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस का पहरा था। मैं 27 महीने, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा एक आइसोलेटेड सेल में कैद रहे हैं, जहाँ दाल का पानी और सड़ी रोटी खाने को मिलती थी। आवाज़ कहाँ से रह जाएगी? अभी हौसला बाकी है। पहले भी मैंने कहा था जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मुंबई आए थे, और 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ से लेके गए, कैसे देखते हैं उनके इस मूव को, यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश? कहीं नजर तो आया नहीं, कहाँ लगा। मेरे शहर में, मेरे जिले में 6 साल से भाजपा की सरकार है। जो बल्ब फ्यूज हो गए वो नहीं बदले गए हैं, जो गड्ढे हैं वो नहीं भरे गए हैं, जो टूट गया है वो मरम्मत नहीं हुआ है। आकर देखिए रामपुर, वो रामपुर देखिए जो कांग्रेस के दौर में था, वो रामपुर देखिए जो रियासत रामपुर थी, वो रामपुर देखिए जो भाजपा के दौर में है, और उस रामपुर को भी देखिए जिसे हमने बनाया है। सपा का नाम नहीं लिया आपने? सपा का नाम नहीं लिया आपने? जाहिर है मैं सपा का फाउंडर मेंबर हूं और अकेला जिंदा हूं। सर मायावती जी के जन्मदिन को लेकर जो एक गाना बना वो काफी जो है विवादों में है, जिसमें कहा गया कि भारतीय जो है वो मायावती जी को भगवान मानते हैं, ये काफी इसको लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस तरीके के बयान को, इस तरीके के गाने को आप किस तरह नजर से देखते हैं? हम देखते ही नहीं, देखिए चश्मा लगा रखा है। एक सवाल है, शाहरुख खान की फिल्म है पठान, उन्हें टारगेट किया जा रहा है लगातार बॉयकॉट पठान की मुहिम जो है वो चलाई जा रही है, आपको लगता है? अरे मियां मेरे बच्चों, बंबई वालों, हिट हो गई फिल्म, खूब चलेगी, खूब कमाएंगे पैसा। आपको लगता है ये जो विवाद हुआ उसकी वजह से? आप वजह क्यों पूछते हो, आप नहीं जानते वजह? फिल्म इंडस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आए, फिल्म कलाकारों से मिले, अक्षय कुमार से मिले, सुनील शेट्टी से मिले, इन लोगों से मिल के गए, और उन्होंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे भी बनेगी। बहुत अच्छी बात है, होना ऐसा। उन्होंने एक बात कही कि पहले जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जा रहा था, ख्वाब देखना अच्छी बात है, जो ख्वाब नहीं देखते वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक थैंक यू सर। बन गई ला।